नमस्कार, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष कुमार द्विवेदी। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाले अभिषेक सिंह जी। अभिषेक सिंह जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। 11 तारीख को लाठी चार्ज होता है और शाम होते होते चुनाव निरस्त कर दिया जाता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं आपके पोर्टल के माध्यम से सभी सम्मानित जनता को नमस्कार करना चाहता हूँ और इस पर मैं यही कहूँगा कि सरकार की इस पर प्रतिक्रिया संदेहास्पद है। इसमें कहीं संदेह नहीं है कि कहीं ना कहीं उनका इसमें व्यक्तिगत रुचि है, वो अपने रुचि के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। और एक बहुत छोटी बात कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में दो ही धाराएं होनी चाहिए, एक होना चाहिए छात्र और दूसरा होनी चाहिए छात्राएं। इसके अलावा कोई तीसरी भेदभाव उनके बीच नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में हम ये देख रहे हैं, जैसे ही युवा पढ़ता चला जा रहा है, पढ़ाई के बावजूद उनके बीच जो है जातिगत बीज का सबसे पहला सृजन जो है विश्वविद्यालय या पाठशालाओं में हो रही हैं। उनको जातिगत, उनको क्षेत्र, उनको गांव, उनको भाषा के आधार पे उनमें आपस में भेदभाव पैदा किया जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह का भेदभाव पैदा करना और यह समाज के लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। जातिगत जहाँ तक आप बात की जाति की, तो इसके पीछे किसका आता है? कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक कारण तो नहीं हो सकते? ये भी निसंदेह है कि इसमें राजनीतिक कारण ही हैं, क्योंकि आप आज के समय में देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में राष्ट्रीय या लोकल स्तर की पार्टियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और वो कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए वो जातिगत मुद्दों का आड़ ले रही हैं और जातिगत मुद्दों को उनको भर के और पार्टी स्तर पे उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। छात्र संघ का चुनाव तो हो रहा है, छात्र संघ के तमाम संगठन भी हैं, आप उदाहरण के तौर पे जानते होंगे, तमाम मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी मॉनिटरिंग या उनका जो सेंट्रल कैबिनेट है वो किसी न किसी बड़े राजनीतिक दल के केंद्र कार्यालय से होता है। आज के डेट में आप देख रहे होंगे पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और उसके पहले के भी मुख्यमंत्री किसी न किसी प्रत्याशी या किसी न किसी पार्टी के साथ इतने रुचि दिखा रहे हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छात्र राजनीति में जातिवाद का वजह क्या है? छात्र राजनीति में जातिवाद की वजह तो छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें बड़े नेताओं की अपनी मंशा और अपना दाल गलाने का जो है कारण है। जो पहले की छात्र राजनीति थी और आज के वर्तमान समय में जो छात्र राजनीति है, उसमें क्या आपको अंतर लगता है? देखिए, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें अनुभव भी नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे जो हम अपने पिताजी से या दादाजी से जब वो अपने छात्र जीवन के दौरान थे वो बताया करते थे, उस समय सिर्फ छात्र संघ हुआ करता था। किसी एक बच्चे पे अगर लाठी पड़ती थी तो पूरा का पूरा पैनल, माने जो पदाधिकारी पूर्व का हो चाहे वर्तमान का हो, वर्तमान प्रत्याशी हो चाहे उसका विद्रोह का प्रत्याशी हो, वो सारे एक मंच पर आते थे और एक छात्र संघ का ही एक उनका मुद्दा होता था और छात्र हित के लिए वो सब लोग मिलकर लड़ते थे। लेकिन हम आज देख रहे हैं, 11 वाला ही हमने ये देखा, उसके विरोध में तमाम आंदोलन किए गए, लेकिन मैंने देखा वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे हुए थे। बचपन में आपने कहानी भी पढ़ी होगी कि 100 लकड़ियाँ एक गट्ठर में हो, तोड़ने में दिक्कत होती है, एक हो तो टूट जाती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक संगठन पर, एक विशेष संगठन पर आरोप लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि सही बात है? अब ये तो इस पर जो है एग्जिट पोल करना तो मीडिया का काम है, इस पर तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो उसमें व्यक्तिगत मनसा या उनकी कहीं ना कहीं संदेह में तो ये कार्रवाई आती है कि 13 को चुनाव करके बच्चों का पर्चा दाखिला करा के उनकी इतनी मेहनत और इतनी ऊर्जा को बर्बाद करके इतना समय जो पठन पाठन में खर्च हुआ होता उसमें वो प्रचार प्रसार किए और उसके बाद आप चुनाव को निस्तारित कर देते हैं। अभिषेक जी, गोरखपुर लाइव से बात करेंगे। धन्यवाद।